उच्च शिक्षा में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने को लेकर कवायद शुरू हो चुकी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के तहत उच्च शिक्षा विभाग RSLDC से समन्वय कर पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को विशेष ट्रेनिंग देगा। विभाग ने इसका प्रारूप तैयार कर कॉलेजों के प्राचार्य को ट्रेनिंग तक दे दी है। 39 विषयों में स्टूडेंट्स को 200 घंटे की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग में प्रदेश के 115 राजकीय कॉलेजों के 6000 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। इस आयोजन के लिए राज्य सरकार 5 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ट्रेनिंग के बाद विभाग की ओर से निजी क्षेत्र में प्लेसमेंट की व्यवस्था भी की जाएगी, ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके। एक्चुअली RSLDC के साथ मिलके मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना प्रारंभ की गई है। ये एक तरह से अपने आप में यूनिक योजना इस सेंस में है कि कॉलेज एजुकेशन के बच्चे, जो जनरल एजुकेशन के बच्चे हैं, उनको स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाए। ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। और इस योजना, और ये पूरी 100% स्टेट फंडेड योजना है, जो पूरे देश में ऐसी योजना कहीं भी नहीं है। इस बात की लगातार ज़रूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि RSLDC के जो 4 योजनाएं ऑलरेडी जो चल रही थी, वो सारी योजना ऐसी थी जो ड्रॉप आउट बच्चों के लिए थी। ये योजनाएं जो हैं, वो एक तरह से फाइनल ईयर के और जो MA में पढ़ रहे बच्चे या पोस्ट ग्रेजुएशन में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके स्किल